नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ निकंज पारिक। बीच में साइट में आया हूँ तो छोटा सा एक ये वीडियो बनाते हैं कि इस साइट में जो फ्लोरिंग लगी है, इटालियन मार्बल लगाया या मार्बल लगाया, तो उसका इंस्टॉलेशन बहुत बढ़िया हुआ है। तो अपन देखते हैं कि क्या इंस्टॉलेशन बढ़िया हुआ है, उसको मैं आपको भी दिखाता हूँ और मैं भी खुद भी देखता हूँ। मैं भी बहुत दिन बाद आया हूँ साइट पे, तो आपको दिखाता हूँ। ये हॉल है, ये मार्बल लगा हुआ इटालियन मार्बल है ना। मैं आपको जो फाइन पॉइंट्स है ना वो दिखाता हूँ। ये डिज़ाइनर फ्लोर लगी है, ये भी इटालियन मार्बल की है और ये भी इटालियन मार्बल लगा हुआ है। ये थोड़ी धूप ज़्यादा है यहाँ पे, तो यहाँ पे उजाला ज़्यादा होने की वजह से हो सकता है अपने को थोड़ा अच्छे से दिखे। तो ये मैं बिल्कुल कैमरा नज़दीक ले जा रहा हूँ। ये आपको समझ में आ रहा होगा, ये जो डिज़ाइन आउट हो रही है ना, ये जॉइंट है। लेकिन अगर आप दूर से देखोगे ऐसे, तो आपको ऐसे कहीं पे भी ऐसे जॉइंट दिखेगी नहीं नॉर्मली इटालियन मार्बल में। तो ये फाइन जो है ना, आप देखिए कहीं पे भी इसमें इटालियन मार्बल में बीच में आपको जॉइंट्स जो होता है ना, प्रोमिनेंटली सफ़ेद लाइन दिखती है कहीं कहीं पे, वो नहीं दिख रही है यहाँ पे। थोड़ी सी डिज़ाइन तो अब इसको तो बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं किया जा सकता, क्योंकि दो अलग अलग पीस है। तो ये आप देखिए दूर से ऐसा लगेगा जैसे पूरा एक स्लैब लगा हुआ है। ये एक जॉइंट हो गई, अब दूसरी जॉइंट ढूंढते हैं हम। दूसरी जॉइंट मुझे मिल नहीं रही है। ये ऊपर से पॉलीथीन सीट लगी हुई है प्रोटेक्शन के लिए। ये देखिए, ये पॉलीथीन सीट लगी हुई है ताकि जो इटालियन मार्बल में जब पॉलिश हो जाती है उसके बाद उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ट्रांसपेरेंट सीट है। दूसरा जॉइंट मुझे मिल नहीं रहा है। एक जॉइंट तो ये डिज़ाइन आउट होने की वजह से मिल गया था, दूसरा जॉइंट मुझे मिल नहीं रहा इतनी अच्छी तरीके से। ये रहा, अच्छा सॉरी, ये तो पॉलीथीन का जॉइंट है, मुझे लगा कि ये जॉइंट मिल गया। अब यहाँ पे जॉइंट ढूंढने में मुझे दिक्कत आ रही है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि कोई इंस्टॉलेशन इतना बढ़िया हुआ है। और ये भी जो पीसेस जो लगे हुए हैं, इसमें भी आपकी जो जॉइंट्स देखिए आप, ये ना बिल्कुल बहुत सुंदर तरीके से जॉइंट्स बिठाए हुए हैं। ये फॉयर है, ये बाथरूम का काम चल रहा है। यहाँ ये टाइल्स लगी हुई है, यहाँ पे वुडन फ्लोरिंग लगेगी, यहाँ वुडन फ्लोरिंग लगेगी, अभी यहाँ काम बाकी है। ये बाथरूम है, बाथरूम में ये मेटल टाइल लगी हुई है, परफोरेटेड और एल्युमिनियम मेटल टाइल लगी है। अब देखते हैं इसके ऊपर वाले फ्लोर पे चलते हैं। ये भी बहुत अच्छी टाइल्स लगी हुई है, सुंदर ग्रेसफुल लगेगा बाथरूम जब बड़ा बन जाएगा तब। ये किचन का काम चल रहा है और ये जो नीचे का जो कारकेस है ये प्लाई से बना हुआ है, तो ये भी एक अच्छा है। इसके ऊपर ये पॉलीथीन लग गई यहाँ पे इस जगह पे ये सीमेंट बोर्ड लगा हुआ है। सीमेंट बोर्ड के ऊपर से जो ओरिजिनल जो किचन टॉप लगेगा वो लग जाएगा। यहाँ पे ये वॉश बेसिन लगी हुई है, पॉलीथीन से कवर्ड है। ये कारकेस और ये कॉर्नर पे एक वीडियो बनाएंगे अभी जल्दी, तो ये कॉर्नर यूनिट है। और ये प्लेटफॉर्म थोड़ा सा फ्लोर से ऊपर उठाया हुआ है ताकि कभी किचन धोएं तो ये प्लाई ख़राब नहीं हो। अगर ये दीमक की प्रॉब्लम नहीं हो तो इस तरीके से आप किचन बना सकते हैं। ये हटा दिया क्या? और यहाँ पे कुछ प्लास्टिक लैमिनेशन सीट लगी थी, वो एक्सपैंड कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से उतर गई, तो ये दोबारा से उतर के यहाँ पे पेंट हो रहा है। डिको करोगे? डिको करेंगे। अच्छा, हो चुका है क्या? चौथी मंजिल में हो गया डिको, चौथी मंजिल में देखते हैं। ठीक है, ये जो सीट लगी हुई है ड्रॉअर पे, एक प्लास्टिक सीट है ये वाली, ये लगाई थी इस पर यहाँ पे, तो ये डिलैमिनेट हो गई। अब इस पर पेंट किया है डिको, ऊपर बता रहे फोर्थ फ्लोर पे डिको हुआ हो, तो अभी ये देखते हैं। ये हॉल है पूरा। अब हॉल में अपन दोबारा से, अभी नवनीत जी भी मेरे साथ है, तो इन्होंने जो लगाई है ना, तो ये हमारे खान साहब है, ये जॉइंट ढूंढते हैं। ढूंढवाना नवनीत जी, थोड़ी मेहनत करो, मदद देखो, जहाँ फिगर मिलता है ना वहाँ कोशिश करो ढूंढने की, तो मिल जाएगा। ये रहा, ये मिल गया, ये मिला। फिर भी ये भी बहुत अच्छी जॉइंट है। नॉर्मली नहीं तो आप कहीं पे जॉइंट देखोगे ना तो वहाँ वाइट लाइन दिखती है, लेकिन अगर आप खड़े होके देखोगे तो जॉइंट ढूंढना थोड़ा मुश्किल है। हाँ, वो देखते हैं। ये वाली जॉइंट आप देखिए और भी महीन है, ये क्रॉस ये वाली तो दिखाई दे रही है, बट ये वाली बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रही।
अरे इतना झुक के देखने के बाद भी आपको ड्राइंग, तो मुझे नहीं मालूम आपको कैमरा में दिखाई दे रही है नहीं दिखाई दे रही, मुझे आँख से दिखाई दे रही है बिल्कुल नहीं। तो ये खासियत है इंस्टॉलेशन की, तो इंस्टॉलेशन करते हैं ना इटालियन मार्बल की, उसकी एक खासियत है ये। ये जो मशीन रखी हुई है ये ग्लॉस मीटर है, ये इटालियन मार्बल में भी ग्लॉस की रेंज क्या है धोनी जी बताना, क्या ये 53 आ रहा है क्या है? नहीं वो अभी क्लीन नहीं हो, उसको टेप लगा हुआ है ना। हाँ फिर भी टेप के बाद कितनी आ रही है? 68 तक आ रहा है। हाँ लेकिन इसमें पॉलिथीन लगी हुई है, पॉलिथीन लगी हुई है, तो बिना पॉलिथीन के चेक करेंगे तब पता चलेगा। 60 के आसपास आ रही है। आनी कितनी चाहिए? 90 प्लस तो है ये, 90 प्लस इसका मतलब पॉलिथीन में 60 आ रही है, तो पॉलिथीन हटाने के बाद आ जाएगी। आ जाएगी नहीं आ जाएगी? बिल्कुल आ जाएगी, नहीं आएगी तो छोड़ेंगे नहीं। अब ऊपर वाले फ्लोर पे चलते हैं। ये जो सीढ़ी में टाइलें लगी नहीं, ये मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, लेकिन अब लगी है तो मैं क्या कर सकता हूं। अब ये देखिए, ये भी टाइल इन मार्बल लगा हुआ है, इसमें ये रहा जॉइंट, लेकिन इतना अच्छा जॉइंट बहुत रेयरली कोई लोग लगाते हैं। हॉल देखते हैं, हॉल में ये रहा जॉइंट, दूसरा जॉइंट ये रहा, ये पॉलिश होने के बाद उसका और अच्छा। ये एक और जॉइंट है, अब आपको दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा मुझे नहीं मालूम। फिर एक ये एक और जॉइंट है, ये दोबारा से जॉइंट है, लेकिन ये जो ना खड़े में ऐसे तो जॉइंट मिल रहा है, लेकिन अगर आप ऐसे ढूंढने की कोशिश करेंगे ना इस तरह से, तो जॉइंट थोड़ा मुश्किल से मिल रहा है। एक बार ट्राई करते हैं इसको ढूंढने की। ये रहा, इंस्टॉलेशन काफी अच्छा हुआ है। ये दोबारा से एक फायर स्टोन है, डिजाइन डली है, और ये यहाँ धूप ज़्यादा है, हो सकता है थोड़ा बहुत अच्छे से दिखाई नहीं दे। ये एक इटालियन मार्बल की प्रॉब्लम है, इस तरीके के पैच कभी कभी पॉलिश के बाद निकल के आ जाते हैं। इसका मतलब ये जब बना होगा ना तब ये रिपेयर कर दिया, लेकिन अब इसका कोई इलाज नहीं है, कभी कभी ये प्रॉब्लम आ जाती है। एक और चीज़ बताता हूँ मैं आपको, कभी आप साइट करो ना और इटालियन मार्बल लग रहा हो, तो वहाँ पे डस्ट वगैरह नहीं आए, कबूतर वगैरह नहीं आए, उसके लिए ये जो ग्रीन नेट होती है उसको आप अपनी जो ओपन खिड़कियाँ हो, जब तक उसमें खिड़कियाँ नहीं लगे तब तक आप ये लगा सकते हैं। इस फ्लोर वाला जो फ्लैट है इसमें भी उसी फॉर्मेट में ये मॉड्यूलर किचन बन रहा है, और इसमें कोई तकलीफ नहीं है, ये बहुत अच्छा लगेगा और बहुत फटाफट और ईजी बन जाता है। अपने साइज़ के हिसाब से आप सेट कर सकते हैं। और ये ऊपर टॉप पे ये थोड़ा सा फाड़ के दिखा देता हूँ मैं, ये पत्थर लग चुका है ऑलरेडी, ब्लैक ग्रेनाइट लग गया है, और इसके नीचे जो है वो प्रोटेक्शन के लिए, इसके नीचे जो है इन ग्रेनाइट और इसके बीच में यहाँ पे सीमेंट बोर्ड लगा था, और वॉल पे ये बैक स्प्लैश में ये वाली टाइलें लगाई है इन्होंने। अब इससे ऊपर वाले फ्लोर पे चलते हैं। ये यहाँ पे पॉलिश का काम चल रहा है, हमारा सूरज है ये फिरोज भाई, काफ़ी प्रोटेक्शन हो चुका है, पॉलिश वगैरह का काम हो गया है। ये भी शुरू शुरू की पॉलिश है, तो ये आपको जॉइंट्स वगैरह दिख रहे हैं, लेकिन अभी जब अच्छे से पॉलिश हो जाएगी तो इसमें जॉइंट्स कम दिखेंगे, प्लस पानी भी गया हुआ है जॉइंट्स में, इसलिए भी थोड़ी प्रोमिनेंटली दिख रहा है, लेकिन पानी जाने के बाद भी ऐसे आपको बिल्कुल नज़दीक करने से ही आपको पता चलेगा। इस रूम में वापस वुडन फ्लोरिंग लगेगी, ये फॉयर डिजाइन में पॉलिश चल रही है अभी। ये वो है वैक्यूम क्लीनर, जिसे जो स्लरी बनती है ना ये साई के टाइम पे, वो सक करने के लिए, ताकि जो साइट है वो बिल्कुल साफ सुथरी रहे। इसमें देखिए आप, ये जॉइंट दिख रहे हैं आपको, अभी पॉलिश चल रही है मेरे हिसाब से, पॉलिश सूखने के बाद, जब जो जॉइंट में जो पानी गया हुआ रहता है वो सूखने के बाद ये जॉइंट्स बहुत कम दिखाई देंगी। ये बड़ी अच्छी चीज़ है, जिन लोगों के घर में इटालियन मार्बल ऑलरेडी लगा हुआ हो या जिन्होंने पहले कभी लगवाया, वो इमेजिन कर सकते हैं कि इटालियन मार्बल में किस तरीके की जॉइंट जो इंस्टॉलर है वो डाल देते हैं।
पॉलिश एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है किसी भी मार्बल फ्लोरिंग में। जितनी अच्छी पॉलिश होती है उतना ही बढ़िया रिजल्ट आता है और जो रहने वाले हैं उनको मजा आता है। लास्ट में जब इसकी बफिंग हो जाएगी तो बिल्कुल एकदम कांच की तरह चमकने की पूरी पूरी उम्मीद है इसमें। आपने देखा होगा कि पूरी फ्लोर पे पॉलिश चल रही है लेकिन कहीं भी आपको बहती हुई स्लरी नहीं दिखी, तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज है। तो जो ये स्लरी सक करने के लिए अच्छी क्वालिटी का वैक्यूम क्लीनर रखना और उसको रेगुलरली फ्रीक्वेंटली जो है ना वैक्यूम करके सफाई करते रहना, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है किसी अच्छी क्वालिटी के इंस्टॉलर के लिए। नहीं तो काफ़ी जगह पे क्या होता है कि वो स्लरी बहती रहती है पूरी सीढ़ियों में, इधर उधर कीचड़ कीचड़ हो जाता है। और ये फिरोज भाई इसकी क्या है, जो स्लरी थोड़ी बहुत बनी है उसको सक कर रहे हैं, इससे देखना आपको कितना डिफरेंस महसूस होगा। अच्छी तरीके की इंस्टॉलेशन अगर करानी हो तो इन सब चीज़ों को छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अभी फिरोज भाई इसको साफ कर देंगे, अपन तब तक ऊपर वाले फ्लोर में जाके आते हैं। अब हम आ गए पेंट हाउस में, ये वाली साइड भी देखिए। एक और चीज दिखाता हूँ, ये देखिए चौखट बिल्कुल बहुत अच्छी प्योर वुड की लगाई है और हाइट अच्छी, दरवाजे की जो डोर्स की हाइट है वो भी अच्छी दी हुई है। यहाँ पे भी एक फायर लगाई है, अब इसका पॉलिश होना बाकी है। तो ये काफ़ी ग्रेस ऐड करता है किसी भी फ्लोरिंग में। ये इनले का काम किया हुआ है किचन में, आप देख रहे होंगे सेम वही फॉर्मेट है जो नीचे आपने देखा था वही। और एक और चीज़ आप देखिए कि ये प्लाई लगाने के बाद दोनों तरफ लैमिनेट लगाया है फॉर प्रोटेक्शन और स्मूथ फिनिश। ये जो वॉश बेसिन कौन सी लगाई है ये भी आप देख सकते हैं। ये ब्लैक ग्रेनाइट, ब्लैक तो नहीं है कोई दूसरी ग्रेनाइट, मुझे याद नहीं इसका नाम। ये देखिए आप ग्रीन नेट लगाने से बिल्कुल डर्ट कबूतर वगैरह नहीं आते, लेकिन इधर की सब खुला है तो इधर से कबूतर आ रहे होंगे जहाँ तक मुझे उम्मीद है। ये भी हट गया है। ये देखिए बिल्कुल सुंदर डिज़ाइन, बहुत खूबसूरत। अब इसकी पॉलिश होने के बाद और ग्रेस आ जाएगा। और ये छत पे चारों तरफ खाटू स्टोन का लगाया गया है, ये भी बहुत अच्छा लग रहा है। और छत में टाइल्स लगाई गई है फिश बोन डिजाइन में। अब इसके ऊपर एक और फ्लोर है, वहां भी चल के आते हैं। ये मंदिर का एरिया है, ये मंदिर बनेगा यहाँ पे। इधर ताला लगा हुआ है छत पे जाने के लिए, तो मैं यहीं से दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए यहाँ दूसरा जो है ना खाटू स्टोन की क्लेडिंग लगी हुई है चारों तरफ, ये टाइल्स लगी हुई है वही फिशबोन डिज़ाइन में। और ये हम आ गए टॉप फ्लोर पे। अब चलते हैं वापस, और कोई चीज़ अच्छी दिखेगी साइट में आपको तो वो भी दिखाता हूँ आपको। ये सीढ़ी रखी हुई है तिरछी, किसी के सर पे गिर सकती है। इसमें यहाँ पे ये सेकंड लिफ्ट का प्रोविज़न दिया हुआ है, ये एक सेकेंड लिफ्ट है। जो सपोज मान लीजिए एक पूरे फ्लैट का जो सेट होता है उसमें अगर आप कुछ फ्लैट एक ही परिवार वाले लोग लेते हैं तो सेकंड लिफ्ट है, ये मेन कॉमन लिफ्ट है। ये कॉमन लिफ्ट आप देखिए, कॉमन लिफ्ट लग रही है, अभी प्रोटेक्शन लगा हुआ है इसके ऊपर। ये फिरोज भाई ने सफाई कर दी है वैक्यूम करके। एसी सिस्टम जो है वो वीआरवी लगाया, वीआरएफ अलग अलग कंपनी अलग अलग बोलती है, ब्लू स्टार का लगाया। हालांकि ये टेम्परेरी गेट है अभी साइट के हिसाब से लगा हुआ, लेकिन ये अच्छा आइडिया लगा। आप जब भी गेट बनाओ तो उसके ऊपर से आप एमडीएफ का या प्लाई का एक पीस छोटा सा किसी भी डिज़ाइन में आप अपने जो फ्लश डोर पे या किसी भी गेट पे ना आप ऐसे ऊपर से लगा के पॉलिश कर सकते हो, तो ये बहुत सुंदर और अट्रैक्टिव सा लुक आपको दे सकता है। और ये जो है ना ये पट्टियाँ लगी हुई है इस तरीके से, आप ये भी लगा सकते हो। बट ये अभी पक्का फाइनल डोर नहीं है, ये टेम्परेरी लगा हुआ अभी। एक चीज़ और है, ये वियतनाम वाइट ये लगाया मंदिर पे, वॉल पे भी यही लगेगा ना?
हाँ वॉल पे भी ये वाइट ही वियतनाम वाइट लगेगा, सफेद के लिए इसकी भी ज्वाइंट देखो आप कितनी अच्छी मिलाई है, यहाँ भी दिख रही है। ये अब हम आ गए ग्राउंड फ्लोर में, ग्राउंड फ्लोर में जो पीछे जो है ना बाउंड्री वॉल्स है उसमें ये ग्वालियर मिंट स्टोन लगा है थ्रू आउट। इधर तो ये पीछे वाला बैक पीछे का हिस्सा है इसलिए इसमें सिंपल लगा। फ्रंट दिखाता हूँ आपको, फ्रंट में अच्छी डिजाइन लगी है। सेम ये फ्रंट है सामने से, ये वही ग्वालियर मिंट लगा हुआ है और ये बीच बीच में डिजाइन करके एक हल्का सा प्रोजेक्टेड स्टोन लगा हुआ है ये थ्रू आउट पीछे तक। और ये प्लांटर्स लग जाएंगे यहाँ पे, ग्रीनरी हो जाएगी और यहाँ पे ये एक फाउंटेन बनाया छोटा सा, ये फाउंटेन बन जाएगा यहाँ पे ऊपर से। ये है ना ये वाटरफॉल है, यहाँ से पानी गिरेगा, यहाँ से गिरेगा, यहाँ से गिरेगा, वहाँ से गिरेगा, यहाँ से गिरेगा। पीछे भी सेम वही स्टोन डिज़ाइन लगा और इसके यहाँ पे एलिवेशन में ये टर्वेंटाइन स्टोन लगा हुआ है, इसको देसी भाषा में घेवर बोलते हैं। बिल्कुल फूटा हुआ सा पत्थर दिखता है ये, वैसे तो इसका डिफेक्ट है लेकिन इसी की वजह से ये ज़्यादा दिखता है, इस डिफेक्ट की वजह से। ये फीलिंग है, ये ऐसे नहीं कि खड्डा है, आप देखो आप ये फीलिंग है, ये भरा हुआ है। ये सामने वाले पड़ोस में घर के ठीक सामने जो ओपन एरिया होता है ना, एक छोटा सा ग्रीन पैच बना है, कितना सुंदर हो गया, अच्छा लग रहा है। ये अब इसके ऊपर ये एलिवेशन स्टोन है, एलिवेशन पे लगेगा और पत्थर लगाने से पहले ही ये इस पे प्रोटेक्शन लगा रहे हैं, प्रोटेक्शन सीट लगा रहे हैं ताकि कोई सीमेंट वगैरह या कोई नेक्स्ट स्टोन जो लगेगा उसकी वजह से इसके ऊपर कोई गंदगी नहीं लगे। हाइट भी दिखा देता हूँ आपको, ये है साइट, ये एलिवेशन स्टोन लग रहा है, देखो आप ये लग गया, ये ऊपर लग रहा है, यहाँ पे लग रहा है। इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत ज़्यादा सीरियसली मत लेना। इसमें क्या स्लो मोशन का एक ऑप्शन था तो मैंने देखा स्लो मोशन आपको दिखाता हूँ इसलिए बनाए हुए वीडियो है, इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ये बस ऐसे खाती की हथौड़ी ठोक रहा है और ये सफाई कर रहा है, देखो आप मुझे मेरे हिसाब से आपको अच्छा लगेगा। इससे भी आप इंस्पिरेशन ले सकते हैं, ऐसे छोटा सा है ना ग्रीन पैच क्रिएट कर सकते हैं कहीं पे भी घर के अंदर या बाहर, बहुत अच्छा लग रहा है। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो साइट विजिट आपको अच्छा लगा होगा और मैंने ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें दिखाने की कोशिश करी है। नवनीत जी क्या बोलते हैं, गले में मास्क लगा के गाड़ी चला रहे हैं, अलग अलग तरीके से मास्क लगाते हैं आजकल लोग, गले में, कान में, मुँह में, मुँह और नाक दोनों। मैंने मास्क नहीं लगा रखा है तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अच्छा लगा हो तो एक लाइक दीजिएगा और जिससे भी आपको लगे कि ये वीडियो किसी के साथ शेयर कर सकते हैं, इसमें से कुछ आप इंस्पिरेशन ले सकते हैं, कोई चीज़ आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं तो वो भी आप करिएगा। और आपको कोई सवाल हो मन में तो वो भी आप मुझसे पूछिएगा और मैं गाड़ी नहीं चला रहा हूँ, कहीं आप नीचे कमेंट में लिखो कि आप वीडियो बनाते हुए गाड़ी चला रहे हो, गलत बात है, डांट देते हो आप लोग। तो जो भी अगर आपके दिमाग में कोई सवाल हो तो आप ज़रूर करिएगा और अच्छा खाना खाइए, पैदल चलिए, सीढ़ियाँ चढ़िए, लिफ्ट का प्रयोग कम से कम कीजिए, साइकिल चलाइए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार, जय हिंद।